स्टूडेंट्स बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक और प्रॉपर्टी देखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं वो आ, हम देखते हैं कि वो वेरिएबल होती हैं ठीक है वेरिएबल होती हैं यानी कि वेरिएबल होने का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारी आ जाती हैं ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स yeah, हम देखते हैं थ्री और मोर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेट्स आ जाती है किसके लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि थ्री और मोर होती हैं जिस तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे हम देखेंगे भी किस तरह से अब इसकी बेसिक वजह क्या होती है इसकी बेसिक वजह यह आ जाती है कि हम देखते हैं कि जो हमारे पास एक डी ऑर्बिटल होता है जिसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास होते हैं एन माइनस एन माइनस वन यानी कि इनर टू द आउटर मोस्ट शेल जो जो शेल होता है उसका डी ऑर्बिटल और जो एन एस होता है ठीक है एस सब शेल ऑफ कौन सा आउटरमोस्ट शेल ठीक है तो ये जो है वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें हम देखते हैं बॉन्डिंग में या हम कहते हैं कि जो ऑसेशन स्टेट्स होती हैं वो इनकी वजह से आती है क्योंकि इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं ठीक है तो हम यहाँ पर ये देखेंगे अब इन अब ये देखेंगे ये जो डी है और ये जो एस है ये जो एन माइनस वन डी है और ये जो एन एस है इनमें क्या होता है इनमें एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है ठीक है हम यहां पर लिख देते हैं स्मॉल एनर्जी डिफरेंस स्मॉल लिखेंगे एनर्जी के लिए ठीक है डिफरेंस स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में या एक कंपाउंड की फॉर्मेशन में ठीक है तो अब ऐसे करते हैं कि यहाँ पर अः हम आ, बात कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन क्या होगी ठीक है इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन का एक चार्ट लेकर आएंगे आ, और यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की ये हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांसलिशन सीरीज आ गई ठीक है तो इसके अंदर हम देख रहे हैं स्कैंडियम से स्टार्ट होती है और ज़िंक तक ये ज़िंक पे ये एंड होती है इसमें से हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्कैंडियम है ये क्या है ये नॉन टिपिकल होता है ठीक है नॉन टी लिख देते हैं हम नॉन टिपिकल ठीक है इसी तरह जिंक जो होता है ये भी क्या होता है नॉन टिपिकल होता है यानी कि अच्छा नॉन टिपिकल क्या नॉन टिपिकल यानी कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैंडियम भी और जिंक भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बिकॉज हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो होते हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले प्रॉपर्टीज नहीं शो कर होते इसलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकी जो है वो तीन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट्स बेसिकली शो नहीं हो रही होती लेकिन जितनी हो रही होती है उनको हम यहाँ पर देखेंगे और स्टडी करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्कैंडियम की तो स्कैंडियम की भी हमारे पास अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन क्या होती है यहाँ पर हम देखते हैं कि ये है हमारे पास थ्री डी वन फोर एस टू तो यहाँ पर देखिए कि अब हो क्या होगा क्या क्या यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोर एस के इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे ठीक है तो यहां से हम देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से लूज हो जाए स्कैंडियम में से तो क्या बन जाएगा थ्री डी वन बन जाएगा फोर एस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन क्या शो कर सकता है टू की इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन शो कर सकता है और साथ साथ कौन सी इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन फिर एक थ्री डी वन ही रह जाएगा ना इसको भी ये लूज कर सकता है तो ये हमारे पास आ जाएगी थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है ठीक है सॉरी यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कहेंगे तो टू और थ्री जो है वो उसकी हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं जो कि स्कैंडियम यूजुअली शो कर रहा होता है ठीक है फिर हम देखते हैं टाइटेनियम टाइटेनियम की अगर हम बात करें यहाँ पे तो टाइटेनियम हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है टाइटेनियम यहाँ पे देखें फोर के दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है तो ये टू इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हमारे पास टू आ जाएगी ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि ये टू इलेक्ट्रॉन के बाद एक और यहाँ से लूज होगा तो कितनी आ जाएंगी थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो हो रही होती है और फिर हम देखते हैं कि फाइनल वन ये भी हो जाएगा लूज तो हम देखते हैं फोर्थ फोर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि फोर्थ फोर नंबर यह भी ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर ठीक है ये भी शो होती है ठीक है तो इस तरह से ये हमारे पास आ आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो फोर का भी शो कर रहे होते हैं इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे वेनेडियम की वेनेडियम को देख लेते हैं वेनेडियम की देखेंगे इसी तरह देखिए टू की है तो ये भी शो करेगा ठीक है टू शो करेगा और उसके बाद फिर देखें इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन देखें ना तो उसमें फोर एस के दो इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली टू जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करेगा ही ठीक है फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालते जाए इसके बाद एक और निकाल दिया तो थ्री की भी शो करेगा ठीक है इसी तरह हम देखते हैं उसके बाद फिर किसकी होगी फोर की भी होगी यहाँ पे फोर की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा और फाइव ठीक है तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट से शो कर रहा होगा देन हम क्रोमियम पे आ जाते हैं क्रोमियम की बात कर लेते हैं क्रोमियम में देखिएगा क्रोमियम में क्या होता है यहां पे आप देखें Uh, इधर हम देखेंगे अगर फोर एस में जस्ट वन इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉनिक इनफिग्रेशन ये है हमारे पास तो हम देखते हैं कि ये वन इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो ये वन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा ठीक है देन ऑक्सीडेशन नंबर भी इसमें होगा ठीक है क्योंकि इसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन लूज होता जाएगा देन हम देखते हैं कि थ्री भी शो होगी इसके अलावा फोर भी शो होगी है ना और हम देखते हैं कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो सकते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन्स तक लूज हो सकते हैं तो हम देखते हैं कि फाइव भी शो होगी और हम साथ देखते हैं सिक्स भी शो होगी बेसिकली यहाँ पर जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर रहे हैं लेकिन ये सारे के सारी कॉमन नहीं होती कॉमन इनमें से कुछ कुछ खास इनमें से जो होती है वो कॉमन होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ठीक है इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे और ये हमारे पास है मैग्नीज़ मैग्नीज़ की बात करते हैं तो मैग्नीज़ में देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सी शो हो सकती है टू शो होगी ठीक है यहाँ पे टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी या ऑक्सीडेशन नंबर हम कहेंगे देन हम देखते हैं थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है ये वाली भी शो होंगी तो हम यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं ठीक है थीके? इसको हम कहा से कॉपी कर लेते हैं चले तो ये यह हमने यहाँ से कॉपी किया थ्री फोर फाइव सिक्स ये भी आ गई ठीक है एंड देन देखे यहाँ पर क्योंकि ये टू इलेक्ट्रॉन हुए फिर थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन तो यहाँ पे ये सेवन ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन नंबर भी शो करेगा इस तरह से आ जाएगा ठीक है फिर आयरन की बात कर लेते हैं आयरन को देखेंगे आयरन में देखिएगा कि हमारे पास कौन कौन सी शो होंगी आयरन में यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू तो आएगी ना ठीक है तो टू आ गई उसके बाद कौन सी आएंगी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास इसी तरह थ्री आ जाती है ठीक है आयरन के लिए थ्री हो गई फोर फाइव सिक्स ये इसके लिए आ जाएंगी ठीक है इस तरह से आ जाएंगी लेकिन जो यहाँ पर स्टेबल होती है तो देखें हम आयरन टू यानी फेरस आइन और आयरन थ्री फेरिक आइन इनकी हम ज्यादातर बात कर रहे होते हैं ठीक है इसके बाद हम आ जाएंगे पे कुबॉल की बात करेंगे कुबॉल्ट के लिए देखिएगा यहां पर हमारे पास कुबॉल्ट के लिए क्या क्या होती है एक तो हमारे पास आ जाती है टू ठीक है ये इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से उसके अलावा हम देखते हैं कि इसके लिए भी आ जाती है हमारे पास थ्री एंड देन फोर ठीक है कुबॉल्ट के लिए फोर भी होता है ऑक्सीडेशन नंबर और देन फाइव भी होता है ठीक है फिर इसके बाद हम आ जाते हैं निकल पे निकल के लिए निकल के पे की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहां पर इसकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है इसके लिए भी देखें पहले तो टू की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ठीक है देन हम देखते हैं कि और कौन कौन सी होगी यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जो अब अनपेड इलेक्ट्रॉनस है ना ये रिमूव हो सकते हैं तो हम देखें यहां पर भी यही हुआ है ठीक है अनपेड इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं अनपेड तो हम देख रहे हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज करता चला जा रहा है तो अब हमारे पास देखें ये दो इलेक्ट्रॉन लूज हुए इसमें से हमारे पास जो अनपेड है वन टू ठीक है अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो कितने हो जाएंगे थ्री ऑक्सीडेशन नंबर होगा ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर थ्री और अगर एक और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो फोर ठीक है तो ये हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाएंगी ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे किसकी इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, uh, पर हम बात करेंगे uh, किसकी कौ यहाँ पर हम बात करेंगे कॉपर की ठीक है कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं तो देखिए इसकी वन की ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी देन हम देखते हैं कि यहाँ पर और कौन सी शो होती है कॉपर जो है वो टू की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है ठीक है और ये थ्री भी शो करता है ठीक है तो लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जो वन और टू है यही हमारे पास कॉमन होती है थ्री हमारे पास इतनी कॉमन नहीं होती ठीक है ठीके? फाइनली हम जिंक की बात कर लेंगे जिंक में देखें यहाँ पर हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ जाती हैं अब देखें जिंक जो है ये यहाँ पे इसका जो हमारे पास यहां पे जिंक के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फिग्रेशन है उसमें डी जो है वो कम्पलीट है इसका स्टेबल मतलब है फोर एस टू भी कम्पलीट है तो स्टेबल तो है लेकिन ये है कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है इजिल जो फोर के इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो इसका मतलब है कि जिंक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है वो टू के ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज कर रहा होता है ठीक है इसके अलावा इसकी और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देख रहे होते ठीक है तो ये हमारे पास इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जूँ जू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स उसी तरह इंक्रीज करती चली जा रही हैं, ठीक है ठीके? इस तरह मैंगनीज के लिए देखें मैंगनीज के लिए हमारे पास हायर हाइस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही हैं कि देखिए यहाँ पर सेवन तक जा रहे हैं ठीक है इसी तरह क्रोमियम में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं तो इसमें भी हमारे पास जो है वो सेवन सॉरी सिक्स जो है वो ऑक्सीडेशन uh, स्टेट्स है और इसी तरह मैंगनीज में भी सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमारे पास आ रही है ठीक है तो हमारे पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स अब देखें नॉन ट्रांजिशन सॉरी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलमेंट्स स्कैंडियम इसके लिए जस्ट टू जस्ट टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जस्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसी तरह नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक के लिए हमारे पास जस्ट One है लेकिन देखिए बाकी जितने भी टाइटेनियम से कॉपर तक इनमें क्या आ रही है इनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन की वजह से हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आ रही है वो तीन या तीन से ज्यादा आ रही है ठीक है और हम देख रहे हैं कि वो इंक्रीज करती है जब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी और इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके साथ वो भी इंक्रीज कर रहे हैं तो इस तरह से हमने यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखी दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स